Hello, तो हेलो दोस्तों कृष्णा एस के चैनल में आपका स्वागत है तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में जी हाँ दोस्तों वीवो फ़ोन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी कमेंट्स हैं मेरे पास आती थी यार कि वीवो फ़ोन में एप्लीकेशन्स को कैसे हाइड करते हैं ठीक है तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आती थी कि वीवो फ़ोन को एप्लीकेशन्स कैसे हाइड करते हैं और ये मैं मैं ये भी जानता हूँ कि गाइज बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि वीवो फ़ोन में एप्लीकेशन्स को कैसे हाइड करते हैं और काफ़ी सारे लोग लगभग दो वीडियो मैंने बनाई भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बट फिर भी क्या होता है कि वो वीडियो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं और आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं और आप फिर भी कहीं ना कहीं देखते हो कि यार वीवो फ़ोन की एप्लीकेशन्स को कैसे हाइड करते हैं तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यार वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा एंड आज की इस वीडियो में बहुत ही ईज़िली आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीवो के डिवाइसेस में कैसे एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो तो यार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एक ऑप्शन तो मिलता है फिंगरप्रिंट एंड फेस फे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी एंड इंक्रिप्स आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का छः डिजिट का पासवर्ड चेंज कर तो डालने के लिए बोलेगा तो आप छः डिजिट डिजिट डाल सकते हो या फिर आप यहाँ से अगर ये नहीं डालना चाहते तो आप अपनी ज़रूरत अनुसार यहाँ से सिलेक्ट करके पैटर्न फोर डिजिट या फिर पासवर्ड डाल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक सिंपल पैटर्न डाल देता हूँ चलिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कुछ भी डाल देना चाहे अपना नाम डाल देना जैसे मैंने डाल देता हूँ टेक्निकल एस के ठीक है उसके बाद डन यहाँ से कुछ नहीं करना है बैक जाना है और नीचे भी यहाँ पे कुछ डाल देना है यहाँ पे सिर्फ अलग थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे डाल देना है उसके बाद यहाँ से फिनिश कर देना है उसके बाद कुछ इस तरीके का जो पेज है आपके पास खुल के आ जाएगा अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्या ऐप अगर देखिएगा जब आपको ऐप को सिर्फ लॉक करना है जहाँ दोस्तों सिर्फ लॉक करना है तो आप यहाँ पे जाइएगा ठीक है यहाँ से जिस ऐप को आपको लॉक करना है उस ऐप को कर दीजिएगा तो चलिए मैं यहाँ पे इस ऐप को जो है लॉक कर देता हूँ तो मैंने इसको ऐप को लॉक कर दिया है देन आपको यहाँ पे अगर हाइड करना है तो नीचे वाले में क्लिक करना है एंड यहाँ से जाके यहाँ से जिस ऐप्स को आपको हाइड करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है चलिए मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ देन यहाँ से कुछ इस तरीके का ऑप्शनस आएगा आपको नेवर रिमाइंड पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है उसके बाद ये जो ऐप्स है हमारा हाइड हो चुका है अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको इससे कट कर देना है डायरेक्टली चलिए यहाँ से होम स्क्रीनस पर चले जाएंगे अब आपको वो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी जो आपने हाइड की थी उसके लिए लगाई आपको जाना है डायरेक्टली आपके वीवो के फ़ोन में आपको एक फोल्डर मिलता है या फिर एक फंक्शन मिलता है या फिर एक ऐप्स कह सकते हैं कि ऐप्स मिलता है उसमें आई मैनेजर नाम से आपको आई मैनेजर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐप इनक्रिप्स इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपसे बोलेगा कि जो पासवर्ड आपने ऐप हाइड करते टाइम डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे दोबारा से डालिए और जैसे आप पासवर्ड डालोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है फिर से आपके पास आ जाएगा खुल के डायरेक्टली आपको क्या करना है नीचे व्यू हिडन ऐप्स आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो जप्स आपने हाइड किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है ना इस तरीके से आप एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे बहुत ही आसानी से एंड इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो ऐप लॉक किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये ऐप लॉक हाइट लॉक किया था तो उसमें आप पासवर्ड डालोगे तो ये लॉक जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वीवो के फ़ोन में ऐप साइड कर सकते हो लॉक कर सकते हो और गाइज मैं ये बता दूँ ये जो मैंने किया है वो आपको एंड्रॉयड नाइन के फ़ोन से लेके प्लस वाले में ही मिलेगा जिसमें आपको एंड्रॉयड नाइन है टेन है उन्हीं में आप भी ये फ़ीचर्स देखने को मिलेगा एंड अगर आपके पास एंड्रॉयड एट है तो आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं अंडर टे एट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि उसमें आप ऐप्स को हाइड नहीं कर पाओगे बट उसके लिए कुछ अलग सेटअप है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करना तो चलेगा इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में